नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रिम्पी सलीम और मेरे साथ है रेनाउंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जतिन सलीम। हम लोग आज यहां पे एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और वो है कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स। हम जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को या उसकी फैमिली को, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उनके जहन में आता है वो ये होता है कि सर, हमारा जो पेशेंट है बहुत कमजोर है, वीक है और वैसे ही इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो कीमोथेरेपी झेल पाएगा या नहीं। तो उनको समझाने के लिए हमारे पास एक ही आंसर है कि जितनी रिसर्च और एडवांसमेंट कीमोथेरेपी में और कैंसर के ट्रीटमेंट में हुई है, उतनी ही रिसर्च उसके होने वाले साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हो गई है। सर, एक और कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे पेशेंट्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी फेस करते हैं वो होता है मुंह का पक जाना और माउथ अल्सर्स। क्योंकि एक तरफ हम पेशेंट को डाइटरी एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसे खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और जब तक उसके अंदर पोषण नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, पेशेंट नेक्स्ट कीमो के लिए रेडी नहीं हो पाएगा। बट द माउथ अल्सर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग, तो उनके लिए क्या इलाज है? देखिए, जिस तरह से कीमोथेरेपी अंदर पेट में, आंतों में इफेक्ट करती है, उसी तरह मुंह पे भी इफेक्ट करती है, क्योंकि मुंह में के अंदर की लाइनिंग भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो कीमोथेरेपी डिवाइडिंग सेल्स पे काम करती है। तो माउथ अल्सर्स होना आम बात है, लेकिन ये सब चीजें ना हो, कम से कम कीमोथेरेपी का एक्सपोजर माउथ की म्यूकोसल लाइनिंग से हो, तो उसके लिए हम पेशेंट को गार्गल्स देते हैं, हेक्सिडिन के गार्गल या फिर बेंजीडाइमिन के गार्गल हम पेशेंट को देते हैं, जो उसको रेगुलर बेसिस पे बिना पानी मिलाए उसको करने होते हैं, स्पेशली फर्स्ट वीक में, ताकि वो उसको ये माउथ अल्सर्स ना हो। दूसरा ये कि कीमोथेरेपी से पहले जिन पेशेंट्स के दांत खराब हैं, हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना डेंटल चेकअप करा लें और अपने जो भी खराब दांत है, क्योंकि दांत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फेक्शन का, अगर दांत खराब हैं तो वो उसका डेंटल एक्सट्रैक्शन करा लें या रूट कैनाल करा लें, जो भी करवाना है वो कीमोथेरेपी से पहले करवा लें और अपने दांतों का एडिक्वेट ख्याल रखें, क्योंकि मुंह एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फेक्शन की एंट्री का। तो अगर माउथ अल्सर्स हो भी जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल मल्टी विटामिंस जो कि आमतौर पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे ये म्यूकोसल लाइनिंग रिकवर हो जाती है, और कुछ माउथ पेंट्स या माउथ जेल्स आते हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं लगाने के लिए, उससे वहाँ पे पेन भी कंट्रोल हो जाती है और ये सेकेंड वीक आते आते ये काफी ठीक हो जाते हैं।